कोरोना से संक्रमित लोगों को रिकवरी में काफी समय लग रहा है। कोरोना के कुछ मरीजों को पूरी तरह से स्वस्थ होने में महीनों लग रहे हैं। ऐसे में काफी कमजोरी और थकान रहती है। स्वाद और स्मेल चले जाने की वजह से भूख भी नहीं लगती, जिसकी वजह से खाना पीना भी कम हो जाता है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपको नियमित रूप से फल, ड्राई फ्रूट्स, खूब लिक्विड डाइट और योग करना भी जरूरी है। इस तरह आप कोरोना से आफ्टर इफेक्ट से खुद को बचा सकते हैं और जल्द ही रिकवर हो सकते हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद डॉक्टर मरीज को हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह दे रहे हैं। क्या है वो सलाह, चलिए बताते हैं, जिससे आपको कोरोना से रिकवरी करने में कम समय लगेगा और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। नारियल पानी पिए। कोरोना से रिकवरी के दौरान लोगों को हाइड्रेट रहने की सलाह दी जाती है। आप गर्मी के इस मौसम में रोज नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी से इम्यूनिटी बढ़ती है और लीवर भी हेल्दी रहता है। नारियल पानी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। इसे पीने से शरीर से कई तरह के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। कोरोना से बचने में नारियल पानी असरदार साबित हो रहा है। ड्राई फ्रूट्स और खजूर। कोरोना के बाद शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है। ऐसे में आपको अपने खाने में मेवा जरूर शामिल करना चाहिए। अखरोट और बादाम आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे। गर्मी होने की वजह से आप बादाम भिगोकर खा सकते हैं। खजूर भी बहुत फायदेमंद है। खजूर में विटामिन, आयरन, कैल्शियम, एंटीबैक्टीरियल और फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर में आई कमजोरी भी दूर होती है। प्रोटीन डाइट ले। कोरोना से रिकवरी के दौरान आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, सोयाबीन, दालें और दूध जैसी चीजें खाने में शामिल करें। अंडा भी प्रोटीन के लिए अच्छा सोर्स है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन मटन में अच्छी मात्रा में प्रोटीन आपको मिल जाता है। योग करें। कोरोना से रिकवरी में योग आपकी मदद करेगा। आपको नियमित रूप से हल्के योग अभ्यास करने चाहिए। योग से आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए योग करना चाहिए। आप अनुलोम विलोम और दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।